नमस्कार जनता, मैं कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन, मैं नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य, आपका स्वागत करते हैं क्वांट के कैट 2022 स्लॉट 2 के इस एपिसोड में, जो कि ज्योमेट्री पॉलीगॉन से उठा के लेके आया गया है। पॉलीगॉन सुन करके ना मेरा थोड़े से अंदर से मैं फियरफुल हो जाता हूँ भाई लोग। तो सर, आज कुछ खास इसमें? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरे सर, आपकी सिंपल का डेफिनेशन बहुत गड़बड़ है सर। आप करना हो गुस्से में, इधर उधर निकल जाता हूँ। चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं सर के हिसाब से बहुत ही सिंपल है। मेरे जैसे गरीब विद्यार्थी को सिंपल लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, तो ध्यान से देखते रहना। लेकिन जाने के पहले कमेंट में ये क्वेश्चन हमने चिपका दिया, इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, देख भी रहे हो तो कम से कम लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्ञान बांटो थोड़ा सा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो। तो चलो फटाफट देखते हैं कि आसान है, हो जाएगा या ना हो पाएगा। क्वेश्चन ये रहा, रेगुलर पॉलीगॉन ए एंड बी हैव नंबर ऑफ साइड्स इन रेशियो 1:2, इंटीरियर एंगल्स इन द रेशियो 3:4, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी। सर एक सेकंड, मेरा थोड़ा पॉलीगॉन का ना थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरी लाइफ में। पहले ये बताइए सर, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मीन्स क्या होता है? इक्वल पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी ये इंटीरियर एंगल्स जो है वो देखिए, ये तो मुझे समझ में आता है कि अंदर के एंगल्स हैं। इज इट सम ऑफ ऑल द एंगल्स? और इंटीरियर एंगल्स मींस अ पर्टिकुलर एंगल, लाइक मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, ओके ओके, अगर मैं कहता हूँ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सो दिस एंगल वी आर टॉकिंग, अच्छा, नॉट द सम ऑफ ऑल। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। सो ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो वो इंटीरियर एंगल्स लिखा था, तो मुझे क्या हो सकता है सारे सम को बोल रहा हूं। तो क्या है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंटीरियर एंगल्स मींस ऑल। बेसिकली दो भुजाओं के बीच के एंगल का रेशियो पूछ रहा है, यही है ना? हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स नहीं पूछ रहा है। हाँ, अब इसमें तीसरा सवाल है सर मेरे पास, या पॉलीगॉन में कुछ फॉर्मूला होता है क्या? क्योंकि मुझे तो भूल गए। इन केस ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? पहला चीज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, पॉलीगन में क्या होता है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे रेगुलर पॉलीगन में। जी सर। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सो ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो इसमें सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा फिर, है ना? क्योंकि एन साइड्स है, तो ईच इंटीरियर एंगल उसके बराबर हो जाएगा। मेरे पास एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स के है, ठीक है, दूसरे पॉलीगन में टोटल साइड्स कितने होंगे? 2k हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सिंपली k माइनस 2 इनटू 180 अपॉन k। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n को किससे रिप्लेस कर दूं, 2k से। सो दैट विल बी इक्वल टू 2k माइनस 2 इनटू 180 अपॉन, सो इस पूरे की रेशियो क्या है, 3:4, सो दैट इज इक्वल टू 3/4। बस ये सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, के तो कैंसिल, तो ये 180 बाई के, 180 बाई के कैंसिल हो गया। यस सर। तो ऊपर में क्या बचा हुआ है, के माइनस टू, और नीचे में देखो यहाँ पे के माइनस वन बचा है सर, के माइनस वन, 2k माइनस टू, 2 कॉमन आ जाएगा, सो कैट इज के माइनस वन विच इज इक्वल टू हाउ मच, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वैल्यू, दैट्स राइट। सो इफ यू सॉल्व दिस, आई गेट के इक्वल टू व्हाट, 5। क्या बात है सर, व्हाट इज द आंसर, के 5 सर। No, the question is number of sides of B. सर ये मैं हर बार करता हूँ एग्जाम में भी। हाँ। मैं की वैल्यू जो भी वेरिएबल लेके बना के और उसी को आंसर में मार्क करके आया। गलत करते हो, ध्यान रखना, आपसे नहीं करूंगा सर, आपसे नहीं करूंगा सर, बार बार झूठ बोलो। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बी, तो नंबर ऑफ साइड्स इन बी इज व्हाट, 2k, 2k 10 हो जाएगा, 10। सो द आंसर इज 10। रुको जरा, मान लीजिए मेरे से गरीब आदमी जो फॉर्मूला भूल जाए, वो कुछ तो तरीका होगा उसको निकालने का, कर सकते हैं कुछ तो, बताइए। झाड़ू लगाओ, झाड़ू झाड़ू। अब मुझे पता है साइड्स की रेशियो क्या है, साइड्स की रेशियो सर 1:2 दी, 1:2 दी, यस सर। और एंगल्स की रेशियो क्या है, इंटीरियर एंगल्स की रेशियो 3:4 दी, 3:4 है, पक्का? यस। तो मैं अज्यूम करता हूँ सबसे स्मॉलेस्ट मेरा इक्विलेटरल होता है, हाँ, 3 साइड्स, ठीक है, तो 3 × 2 क्या हो गया, 6 साइड्स। हाँ सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और ये इसका क्या हो जाएगा, 120 होता है ना, इसका हेक्सागन का 120 है, ठीक है, तो 120, व्हाट इज द रेशियो हियर, 1:2। हाँ, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ कि ओके, लेट्स से 4 साइड्स है और 4 × 2 8 साइड्स, ओके, ठीक है, 4 लूंगा तो ये 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो स्क्वायर का हरे एंगल क्या होता है, 90 होता है, और ये ऑक्टागन, ऑक्टागन का हर एंगल क्या होता है, 135 डिग्री।
ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 135। अब देखो क्या इसकी रेशियो 3:4 आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रूल आउट हो गया। अब अगर मैं लेता हूं 5, तो ये क्या हो जाएगा, 10, हाँ ठीक है, 5 मींस पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स पता होना चाहिए और डेकागन का इंटीरियर एंगल्स। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे एक चीज बताओ, लेट से मैं एक पेंटागन लेता हूं, ओके अब मुझे इसका सारा इंटीरियर एंगल्स का सम चाहिए। एक पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, कितने ट्राइंगल्स बने हैं, एक दो तीन बन गए सर। हर ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, हाँ 180 डिग्री होता तो है। टोटल पेंटागन का सारा इंटीरियर एंगल्स का सम 180 इनटू 3 हो गया, दैट ओ यस इज 540, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यस सर। ठीक है, अब मैं कहता हूं मेरे पास एक हेक्सागन है, ऑलराइट, कोई भी एक पॉइंट में पिक करता हूं, ऑलराइट, तो एक ट्राइंगल मिला, दो ट्राइंगल मिल गए, तीन ट्राइंगल मिल गए, तीन, कितने ट्राइंगल बने, एक दो तीन चार। चार बन गए। हाँ सर। अब चार ट्राइंगल है, हर ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180, ओ तो यस व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन, चार से गुना कर 180 देंगे। इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 720। ओ सो इफ यस यू अज्यूम हियर पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, पांच, हाँ तो सर। ट्राइंगल कितनी बन रही है, तीन, यस और नो, दैट इज 5 ओके माइनस 2। यस सर। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, सिक्स, तो सिक्स ट्राइंगल्स कितनी बन रही है, चार। 6 माइनस 2, दैट इज 4। तो इन जनरल पॉलीगन में एन साइड्स है, तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे एक पॉइंट से, n-2 एन माइनस 2, और हर ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180, सुपर यार। तो एन माइनस 180 टू इंटू 180, सो सर। दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला। मजा आया सर दिस इज अमेजिंग। ऐसी ये सब चीजें बताइए सर, हमारे से गरीब लोगों को सब अच्छा लगता है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला तो अपनी जगह है, बट मैं यही कहता हूं कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, नहीं है अगर सर। तुम्हें फॉर्मूले के पीछे की कहानी पता है, देन द थिंग्स विल बिकम इजी। एक चीज और है इंपॉर्टेंट और भी है क्या कुछ? पॉलीगन में, हाँ सर। कई बार हम ना इंटीरियर एंगल्स की जगह अगर एक्सटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, हाँ। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ओके ठीक है, हाउ। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है, अगर ये मेरे पास इंटीरियर एंगल से थीटा, हाँ इसके साइड वाला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो 180 माइनस थीटा हो हंड्रेड एट्टी जाता है। माइनस थीटा होता यस है सर। ना। अब पॉलीगन के अंदर लाइक इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180, हाँ वो अभी सब एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, अच्छा ये हमेशा ही ऑलवेज फिक्स होता फिक्स होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सो इन अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट, 360 बाई एन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं और दूसरे तरीके से कर रहा हूं, साइड्स की रेशो क्या है ये बताओ, साइड्स की रेशियो है 1:2, 1:2, और एंगल्स की रेशो क्या है, 3:4। दैट इज 3:4 यस सर। आपका। यप। अब मैं कहता हूं ओके, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रेशोस, मैं अज्यूम कर लेता हूं साइड्स 3, और कितने हो गए, 3 2 6, ठीक है, तीन साइड्स मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल क्या हो गया ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 60 होता है सर। और हेक्सागन का 120, 120। तो ये 60:120, इसकी रेशो क्या आ गई, 1:2 हो गई, तो ये तो गलत ठीक है, हो गया। गलत हो गया। अब मैं लेता हूं एक स्क्वायर साइड्स 4, तो दूसरा फिगर उसकी साइड्स 4 2 8, ठीक है, तो स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90, ऑक्टेगन में क्या होता है, 135 डिग्री, हाँ सर। ठीक है, और अगर याद नहीं है इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, फॉर्मूला तो मैं कहूंगा एक्सटीरियर एंगल तो 360 होगा ना, हाँ व्हाट इज 360 बाई 8, ओके 45, यस सर। तो और व्हाट इज उसको 180 माइनस 45, 135, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो उससे जल्दी आ जाता, सही है यार ये। तो ये 90:135, बट क्या इसकी रेशो 3:4 नो आएगी, नो 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 नहीं नो आएगी, नो 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 तो नो ऐसे ही मैं लेता हूं 5 और 10। ओके, 360 बाई 5 क्या होता है, सेवन। इजी है, 72 डिग्री, यस 72 डिग्री। तो 180 में से 72 करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो 108 डिग्री हो गया यस इंटीरियर एंगल। सर। अब ये 10 है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 360, 360 बाई 10 क्या हो गया, 36। 36, तो इंटीरियर एंगल 180 माइनस 36, यस वॉट इज सर 180 माइनस 36, 144। 144, और ये देखो क्या इसकी रेशो आएगी 3:4, हाँ देखो सर ये आ गई है। 56 3 108 ये आ एंड गया थर्टी सर, ये सिक्स आ गया। फोर जा, तो अगर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करने से ज्यादा इजी है एक्सटीरियर का, क्योंकि 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, टोटी और फिर फटाक टोटी। से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मतलब आपके पास हमेशा ही दो तीन तरीके रहते हैं सर, जिसका आप निकाल हाँ करके अटैक मार देते हो चीजों को। तो होप आपको ये पॉलीगॉन का जो सर ने ट्रिक बताया वो आपको पसंद आया। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और उन सब के बीच में जो रिलेशनशिप और रिश्ते बनाए गए हैं वो भी आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज अपने ज्ञान को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।
से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सर आप हमेशा बच्चों को एक चीज बोलते रहते हैं, आसान है हो जाएगा, लग रहा है ना अब आसान है हो जाएगा। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टेक केयर करो अपना। जय हिंद।